तो वीवीएम माइक्रो प्रोग्रामिंग में हम आज आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं रेंज की फॉर्मेटिंग के ऊपर। ओके, रेंज फॉर्मेटिंग हमारा आज का टॉपिक है। तो क्या है रेंज फॉर्मेटिंग? किसी पर्टिकुलर रेंज को फॉर्मेट करना, इट्स रेंज फॉर्मेटिंग। क्योंकि हमने रेंज के तीन पार्ट, दो पार्ट को सीखा। पहला पार्ट को सीखा सिलेक्शन, एंड दूसरे पार्ट को हमने सीखा डेटा एंट्री, और तीसरा पार्ट है हमारा डेटा फॉर्मेट, रेंज फॉर्मेट या डेटा फॉर्मेट कह सकते हैं। तो जैसे आप ऊपर देखते हैं कि डेटा फॉन्ट के कई सारे पार्ट है। पहला है फॉन्ट, दूसरा है बैकग्राउंड कलर, बॉर्डर, अलाइनमेंट, नंबर फॉर्मेटिंग, एंड ऑल्सो वी यूज द कंडीशनल फॉर्मेटिंग वगैरह वगैरह। तो चलिए इसी चीजों पर हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फॉन्ट की। जैसे मैंने यहां पे अगर कोई रेंज दे रखा है, तो मैं करना चाहता हूं उसके ऊपर फॉर्मेटिंग। तो मैं डेवलपर में जा रहा हूं, विजुअल बेसिक पे जा रहा हूं, और यहां हम इंसर्ट करते हैं मॉड्यूल को, और यहां हमने मॉड्यूल इंसर्ट किया, और यहां पे हमने माइक्रोज दिया, तो सबसे पहले हमें इसकी फॉन्ट अप्लाई करना है। तो देखिए यहां पे एक ध्यान से देखिएगा कि मैंने यहां दिया पेंट A1 डॉट फॉन्ट डॉट नेम इक्वल टू ए रियल, देन रेंज B1 डॉट फॉन्ट इक्वल टू कलर इक्वल टू वीवी रेड ग्रीन ब्लू डॉट। अब यहां पे रेंज, अब यहां पे एक चीज देखिए कि मुझे एक ही ऑब्जेक्ट के ऊपर कई सारे मेंबर अप्लाई करने पड़ रहा है। जैसे कि रेंज A1 से हमने यहां पे C1 कर दिया, A1 से C1, और यहां भी हमने A1 से लेके C1। तो प्रॉब्लम क्या हो रही है कि मुझे यहां हर जगह सिर्फ फॉन्ट तक तो सही है, फॉन्ट के बाद मुझे साइज चाहिए। तो आप नॉट अ फॉर्मेटिंग, मतलब कि सिर्फ फॉन्ट की हम बात नहीं कर रहे हैं, आप किसी भी ऑब्जेक्ट में, अगर एक ही ऑब्जेक्ट पे कई सारे कलर, अब कई सारे मेंबर्स अप्लाई करने, तो आप ये वन बाय वन दिखने के बजाय आप विथ कमांड यूज कर सकते हैं। जैसे हमने लिया विथ रेंज A1 से C1 डॉट फॉन्ट, और यहां पे डॉट नेम इक्वल टू एरियल डॉट कलर इक्वल टू वीवी रेड डॉट साइज इक्वल टू 12, और फिर यहां पे एन विथ कर दिया। साइज के अलावा और भी चीज डालनी है तो डाल सकते हैं। इससे बेनिफिट क्या हुआ कि हमें इतना सारा लाइन लिखना ना पड़ा या कॉपी पेस्ट ना करना पड़ा, एक विथ कमांड से इजीली हो गया। अब हम कलर पे बात करते हैं। फॉन्ट तो एरियल है और बाकी और फॉन्ट हम यूज कर सकते हैं। अब कलर की बात करें तो कलर पे आप वीवी रेड ग्रीन श्याम, वीवी ग्रीन, वीवी श्याम, वीवी मैजेंटा जो कलर्स है वो तो यूज कर सकते हैं। 4-5 सिलेक्टेड कलर यूज कर सकते हैं, जैसे कि वीवी ग्रीन करना है, वीवी व्हाइट करना है, वीवी ब्लैक करना है, ऐसी चीजें कर सकते हैं। ओके, या फिर आप दे सकते हैं यहां पे आरजीबी नंबर। अरे ये नंबर, इन कलर के नंबर कहां से मुझे आएंगे? इसमें मदद करेगा आपको एक्सेल। जैसे कि मान लीजिए हमें यहां पे इस कलर को अप्लाई करना है, तो वीवीए में आप इसको मोर फील्ड पे जाएं, कस्टम टायर देखिए, तो वीवीए में आरजीबी के अंदर में R4 रेड 198, ग्रीन G4 ग्रीन 89, एंड ब्लू 417 डालना होगा।
ओके इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आरजीबी अगर दिक्कत हो रही है तो यहां पे आपका होता है डॉट कलर इंडेक्स इक्वल टू नंबर डाल। अब कलर इंडेक्स का नंबर क्या है, कैसे पता चलेगा किस कलर है क्या नंबर है, तो इसको इसमें आपका एक्सेल हेल्प कर देगा। अगर आपके पास 2007 है तो वहां पे एक्सेल का हेल्प जो है ऑफलाइन है तो वो सही है, बट ये बाकियों में ऑफ ऑनलाइन होता है, तो यहां आप सर्च कर सकते हैं यहां पे कलर इंडेक्स दीजिए। एक टेबल आ जाता है, हाँ ये रहा टेबल दिख रहा है। तो आपने कलर इंडेक्स वन किया तो ये आएगा ब्लैक, टू किया तो ये आपका आएगा व्हाइट, थ्री किया तो आपको आएगा रेड, दिख रहा है आपको सर। तो कलर इंडेक्स की प्रॉपर्टीज, तो आप अगर सिलेक्टर कोई 8-10 कलर यूज करते हैं तो यू कैन मेमोराइज कि कौन सा कलर का क्या नंबर है और आप उसी नंबर को यूज कर सकते हैं आप कलर इंडेक्स में। तो कलर के 3 मेथड है, चाहे कलर आप रेंज पे अप्लाई करें या शीट टाइप पे अप्लाई करें या चार्ट पे अप्लाई करें, कहीं भी अप्लाई करें तो इसका सेम प्रॉपर्टी होता है। कलर इक्वल टू बीवी ग्रीन रेड ब्लू श्याम मजेंटा डाल दीजिए, उसके बाद आपका कलर आरजीबी रेड ग्रीन ब्लू का नंबर डाल सकते हैं या कलर इंडेक्स नंबर दे सकते हैं। तो कलरिंग सिस्टम समझ में आ गया आपको, दीपक जी, जाहिद जी, सिद्धेश सिंह जी? सर मैं ट्राई कर रहा हूँ डायरेक्ट हम रेंज जो अपने फर्स्ट वन दिखाया था रेंज A1 to C1.font.name=Arial उसी की जगह पे अगर हमको सेल को कलर देना हो तो कैसे करें? तो सेल को नहीं, फॉन्ट कलर देना है, बैकग्राउंड कलर देना है? बैकग्राउंड कलर सर, सेल को बैकग्राउंड कलर नहीं बताया ना, मैं बता रहा हूँ तो देखिएगा ठीक है। अच्छा, वन बाय वन चलते हैं ना। तो फॉन्ट में और क्या क्या होता है? तो फॉन्ट में साइज होता है, हमने क्या किया नेम कर दिया, कलर कर दिया, साइज कर दिया, एंड बारी आती है बोल्ड की, तो बोल्ड इक्वल टू ट्रू या फॉल्स। हमें कैसे पता चला कि ट्रू ही होगा यहाँ पे, क्योंकि एक्सेल में जो बोल्ड का फीचर है या इटैलिक का फीचर है या अंडरलाइन का फीचर है वो चेक बॉक्स सिस्टम है, मतलब उसी से अप्लाई होता है, उसी से डिसअप्लाई होता है। तो जो एक्सेल के फीचर्स चेक बॉक्स सिस्टम है कि या एक ही ऑप्शन से अप्लाई और डिसअप्लाई होता है तो वहां पे ट्रू एंड फॉल्स वीवीएम यूज होता है। तो बोल्ड इक्वल टू ट्रू, अगर हम इटैलिक करें तो इटैलिक इक्वल टू ट्रू या फॉल्स, अंडरलाइन करें तो इक्वल टू ट्रू या फॉल्स, या फिर हम करते हैं यहां पे स्ट्रिक थ्रू इक्वल टू ट्रू या फॉल्स। ओके समझ गया सर? ये हमारा फॉन्ट का पार्ट। अब फॉन्ट के बाद बात आते हैं बैकग्राउंड कलर, जैसे कि अभी अभी दीपक जी ने बात किया। सर एक छोटी सी क्वेरी है। हाँ, जैसे आपने नेम दिया, नेम एरियल आपने डबल कोट में करा राइट, वैसे ही आपने जब वहां पे कलर डाल रहे थे तो कलर आपने वीवी रेड को डबल कोट नहीं करा था, ऐसा क्यों? क्योंकि वीवी रेड कंसीडर करता है, इसलिए कलर कोड है, इट इज अ कलर कोड, वीवी इज अ फॉन्ट नेम। ओके, वहां पे नेम वर्ड आता है वहां पे तो हमें यूज करना पड़ेगा ना सर। हमें कैसे आइडिया लगेगा कि हमें इसको डबल कोट करना है, इसको डबल कोट नहीं? अरे वीवीए का नेम है ना, सॉरी एक्सेल का नेम है ना आपका ये। ओके, नहीं आ रही सर आज आपकी?
अभी अगर बोले सर आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, हाँ जी आ रही है सर। तो सर ये जो एरियल है ये डीजी का पार्ट थोड़ी है, तो एक्सेल का पार्ट है ना सर? ओके, इसलिए एक्सेल का देखिए सेल रेंज होता है A1 B1 C1, उसको भी तो हम क्या करते हैं इन्वर्टर को वहां देते हैं ना सर? राइट, तैसे इसको भी देंगे तो जो नेम वर्ड आ जाता है, जो नेम वर्ड आ जाता है उसमें हमें करना पड़ता है। ओके ओके फाइन फाइन, ठीक है, यस सर, गॉट इट। आगे बढ़े जी सर, बढ़ते हैं। अब यहां पे जो अगला ऑप्शन आता है उसकी बात करते हैं। अब यहां पे जो अगला ऑप्शन होता है उसकी बात हम करते हैं कि क्या कर सकते हैं इसके लिए बैकग्राउंड कलर के लिए। तो यहां पे हम करेंगे डॉट इंटीरियर, इंटीरियर मतलब कि बैकग्राउंड कलर और डॉट कलर। अब कलर में यहां जो मेरा कलर सिस्टम समझाया है उसी कलर सिस्टम का यूज होगा, इक्वल टू वीवी रेड ग्रीन ब्लू श्याम मजंता या आरजीबी या कलर इंडेक्स नंबर, ये आपकी बैकग्राउंड कलर दे देगा। तो हमने फॉन्ट को सीखा और हमने बैकग्राउंड को सीखा। अगला ऑप्शन आता है बॉर्डर। अब जैसे मान लीजिए मुझे इसमें जो और कंटिन्यूस बॉर्डर ऑल बॉर्डर लगाना है अपने सिलेक्टेड डेटा में, तो उसके लिए क्या करें? तो उसके लिए सिंपल सा कोड आप लिखेंगे रेंज A1 से लेके C1 डॉट बॉर्डर्स। अब बॉर्डर्स के दो पार्ट है, एक है बॉर्डर्स डॉट लाइन स्टाइल, कि बॉर्डर का लाइन स्टाइल क्या होना चाहिए। तो लाइन स्टाइल इक्वल टू 1 या एक्सेल कंटिन्यूस कर सकते हैं। ज्यादा डिटेल ज्यादा आपको अगर प्रॉब्लम हो तो आप एक्सेल वीवीए की हेल्प में इसको खोज सकते हैं कि क्या होना, क्या क्या स्टाइल है। जैसे कि मैं यहाँ जैसे हमने कलर इंडेक्स सर्च किया था ना, ऐसे वीवीए स्टाइल को हमने सर्च किया, तो यहाँ पे आपको वीवीए के बॉर्डर लाइन स्टाइल प्रॉपर्टी आ गया आपको। नहीं, ये इन साइड का मार्क्स एक्सेल कंटिन्यूस, एक्सेल डैश, एक्सेल डैश डॉट, एक्सेल डॉट डॉट, एक्सेल डॉट, एक्सेल डबल, ये चीजें लगा सकते हैं, समझे? एक्सेल लाइन स्टाइल में ये सारी चीजें आती है। इसका नंबर भी एक्सेल कंटिन्यूस हमने 1 कर दिया तो एक्सेल कंटिन्यूस ले लेता है, 4 कर देंगे, 5 कर देंगे, 13 कर देंगे तो ले लेगा सर। माइनस वाले फीचर्स आपको एक्सेल डॉट ही डालना पड़ेगा, नंबर से लेता है। समझ में आ गया सर आपको? अगर आप बॉर्डर की कलर देना चाहते हैं तो यहां आपको देना होगा एक्सेल A1/C1 डॉट बॉर्डर्स और यहां से आपको कलर देना होगा, कलर दीजिए या कलर इंडेक्स दीजिए। और कलर का मेथड वही है जो हमने आपको बोला था, कलर सब जगह सेम वर्क है, ये आपको कलर दे सकते हैं। ये हमारा ऑल बॉर्डर का यूज करता है, समझ गए? लेकिन अगर मुझे बॉर्डर अपने हिसाब से लगानी है, जैसे मान लीजिए कि मुझे इस पे एक सराउंड बॉर्डर लगाना है A1, तो कैसे होगा? तो इसको बेटर होगा कि आप यहां ये कर दें, हमने हिट आउट बॉर्डर को क्लिक कर। अब बॉर्डर की पूरी प्रॉपर्टी को रिकॉर्डिंग माइक्रो के थ्रू समझिए। सबसे पहले जैसे आपने देखा हमने बॉर्डर को सीधे बॉर्डर लिख दिया, यहां ब्राइटनेस में कुछ कंसीडर नहीं किया, बट आप ब्राइटनेस लगाएंगे तो बताएगा कि कौन सा बॉर्डर आप लगाना चाहते हैं, लेफ्ट अप राइट लेफ्ट राइट इनसाइड आउटसाइड सारी चीजें। तो बोले ये क्या होता है? तो शायद आपने ध्यान दिया होगा जब राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल पे जाते हैं और यहां हम बॉर्डर पे क्लिक करते हैं तो आप यहां से देख रहे हैं नन,
आउटसाइड इनसाइड दिख रहा है आपको सर, टॉप मिडल बॉटम इनसाइड वर्टिकल इनसाइड हॉरिजॉन्टल, ये सारे दिख रहा है ना, वन बाय वन हम लगा सकते हैं जैसे कि हमने क्लिक किया ये चीजें। तो ब्रैकेट में लगाना हो तो ब्रैकेट में लगाया तो कंटिन्यूअस दे देता है ऑटोमेटिकली। तो इसमें क्या है, तो सबसे पहले इसने क्या किया, जो पहले से लगी बॉर्डर को हटा दिया, ठीक है। उसके बाद आप यह वन बाय वन समझे विथ सिलेक्शन। सिलेक्शन के बाद आप रेंज ए वन से सी वन दे सकते हैं। बॉर्डर कौन सा बॉर्डर, एक्सेल एड लेफ्ट लाइन स्टाइल का होगा, कंटिन्यूअस होगा। कलर इंडेक्स जीरो पे कोई कलर कोई शेड नहीं देना है, देना है तो नंबर यहाँ पे आएगा। विड्थ एक्सेल मीडियम मतलब कि मीडियम साइज होगा। इसी में इसमें तीन चीजें होती है, एक्सेल थीम थिक मीडियम, यहाँ मीडियम साइज हुआ है। ऐसे यहाँ पे देखिए एक्सेल टॉप एक्सेल बॉटम और एक्सेल राइट, तो चार तरफ से हो गया ना, चार एंगल से। और इसके इनसाइड वर्टिकल या आउटसाइड वर्टिकल कोड है उसको इसने नन कर दिया है। हालांकि करने की जरूरत नहीं, ये दोनों ऊपर की जो दोनों लाइन है लिखने की जरूरत नहीं है, बट रिकॉर्डिंग माइक्रो ने क्या सोचा कि अगर पहले से कोई बॉर्डर लगा हो तो उसको हटा दे, समझे सर। हेलो जी सर, समझ में आ रहा है। तो इसकी रिकॉर्डिंग मैक्रो से, अब यहाँ पे बिस कमांड क्यों रिकॉर्डिंग में दिया, ये बिस कमांड मैंने समझा दिया आपको, अगर बिस कमांड नहीं होता तो ये लाइन हमें बार बार इसको लिखना पड़ता है, तो इसने बिस का यूज कर दिया है। और यहाँ पे मीडियम एक्सेल मीडियम एक्सेल थिक एक्सेल थिन, तीन चीजें होती है, मतलब कि आपकी जो बॉर्डर का थिकनेस मोटापा डिसाइड होता है। और यहाँ एक्सेल कंटिन्यूअस है, मतलब कि कंटिन्यूअस लाइन होगी। अब इसके जगह पे एक्सेल डैश एक्सेल डॉट डॉट ये चीजें आप यहां से इस्तेमाल कर सकते, समझ गए। तो आप इसकी फॉर्मेटिंग कीजिए। तो फॉर्मेटिंग का दूसरा चैप्टर हम कल की क्लास में आपके साथ डिस्कस करेंगे। प्रैक्टिस करते समय कोई भी डाउट हो तो मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। ओके okay?